अरे भाई। मैं एक थ्योरी तो भी दूंगा ठीक है हाँ। तो मेरी थ्योरी है सुपर सुपर बॉलीवुड हाँ। दीपिका पादुकोण अभी भी काट रही है शाहरुख खान <laughs> के उसके पीछे लगी रहती है वो और वो पहुंचाना चाहता था ये इंडिया के वो ऑफिस में और वो और बहुत जाता तो टेक्निकली कौन लेकर आया उस ऑर्ब को इंडिया तक दीपिका का कैरेक्टर ही लेकर आया तो वो मतलब तुम ओवरऑल देखो तो उसने त... वो तीसरा भी धोखा ही था वो दीपिका के एंड से <laughs> और मैंने मेरे <laughs> और तक तो तक उसको इम्यूनिटी मिल गई उसकी वजह से आ, अरे सुनो हाँ। ना मैंने मेरे रिव्यू में भी यही बोला है कि भाई इस कैरेक्टर को मैं नहीं समझ पाया मूवी के एंड तक मेरे को इसका मोटिव ही नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। आ रहा। तो ऐसा कह सकते ना कि क्या पता आगे के पार्ट में ये चीज और

विलन होने वाला ना टाइगर थ्री में वो लो लो बहुत कुछ कर सकते थे मतलब पठान की पप्पी चाहिए सोचो ना अभी अभी वॉर टू की जो स्टोरी बनाएगी तो प्री वो बोलते ना फ्लैश बैक में भी बन सकती है जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन दोनों उसके बाद फिर आगे स्टोरी जाएगी

पूरे मूवी के लेंथ में फिफ्टी परसेंट रखना चाहिए फ्लैशबैक को और बाकी को मूवी रखना चाहिए लाइक like, ये मेरा प्राइम रीजन और बाकी के ट्वेंटी नारियल के पेड़ से उछाले बंदे वो अलग रीजन के चलते ये देखा था सीरीज क्योंकि उसमें फ्लैशबैक बहुत चलता है

कैप्टन मावल डाली कप्टन मॉवल बिल्कुल ये लोग डाल सकते हैं उसके अंदर मतलब अभी यूनिवर्स है मतलब है पूरा टेसरेक्ट का एक नया कहानी निकाल के ले आए थे वो लोग पूरी हाँ वही पूरी की पूरी कहानी निकाल दी तो वैसा अभी स्पाई के यूनिवर्स में ये लोग कुछ भी कर सकते और वो मिड क्रेडिट जो सीन था वो तो पता है क्यों क्यों डाला डाला गया बताओ, था बताओ, बताओ हाँ, मत... कौन सा कि बच्चे बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते उसको हाँ। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ना ये उनके बारे में बात चल रही है कि ऋतिक रोशन को बच्चा कह दिया कि वो स्पाय है नहीं नहीं अब लोगो को कुछ लोगों डिपेंड होता है की वो कौन कैसा ले रहा है यहाँ बॉलीवुड की चल रही थी साफ है ठीक है कभी एस्टेब्लिश स्पाय है उसको बच्चा कैसे कह सकते हैं

तो एक आपे? ही कैरेक्टर का कंफर्म हुआ है ना जिसकी ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कंफर्म हुआ है कि भाई उसका एक फिल्म बन चुकी बाकी लोगों है। पर नहीं बनी और कैसा है बॉलीवुड मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि मतलब बिना एक्टर को कास्ट के तुम नाम अनाउंस नहीं कर सकते इसके लिए संजय दत्त का नाम अनाउंस नहीं हुआ था के जी में वो बाद में जाकर हुआ था जब वो कन्विंस हुआ था उसको करना है एक्टिंग

देखो तीनों तीनों को प्रॉपर देते हुए अभी हाँ। क्रॉस हाँ। अभी एक क्रॉस करते रहे कि भाई एक में सलमान खान फिर से दिख गया एक में फिर से रितिक रोशन दिख गया किसकी हां आ रही है ना हाँ उसमें एक हो रहा ना क्रॉस ओवर होने वाला ना सब सिंगम थ्री सिंगम थ्री में क्रॉस ओवर है सूर्यवंशी बहुत सुपर हिट हो सकती थी पर उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं किया तो ये लोग नहीं रहे यार, ये लोग कर सकते हैं भाई अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज़ और भाई आग लगा सकते हैं अगर वो असेंबल दिखाए प्रॉपर अभी क्योंकि मूवी का सेलिंग पॉइंट एक ये लगा मेरे को क्योंकि मतलब बहुत लोग इसलिए जा रहे हैं ना कि भाई करण अर्जुन के बाद या जीरो के बाद प्रॉपरली करण अर्जुन के बाद अब हो पाया है कि एक डेडिकेटेड मूवी बन सकती है जिसमें सलमान खान शाहरुख खान एक साथ भाई वो बोलता है ना भाग भाग पठान अरे यार वाले थे मेरे तो यार। मैं भी एकदम हिल गया था जब बोला ना भाई साहब एकदम खुश कर दिया उन लोगों ने नहीं तो अभी वो भी एक सोच सकते हो ना कि अगर अगला पार्ट बनेगा क्रॉसओवर के मामले में तो ऋतिक रोशन को विलेन के हिसाब से प्रेजेंट किया जा सकता है बाद में वो लोग सबका टीम अप हो जाएगा ये भी हो सकता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा गया ऐसा उसको मालूम नहीं था और तो उसके हिसाब से इनका क्रॉस ओवर अच्छा बैठेगा और आगे चल के फिर तीनों साथ में हो जाएंगे तु, तो ये भी पर... एक अच्छी स्टोरी बन सकती है